I'm not sure, but when I was elected as a 29-year-old kid in 1972, before I was sworn in, I got a letter from a person named Biden, last name, in Mumbai, from Mumbai. तो मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब मैं 29 साल का था और 1972 की बात है, उस समय जब मेरी समय पर मेरी जो कदम जो उठानी थी, उस समय मुझे किसी व्यक्ति ने खत भेजा था, उसका उन्होंने कहा कि मेरा नाम भी आते नाम बाइडेन है, मैं भारत से थे। बाद में ढूंढ नहीं पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग आई हर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस गोइंग अवे एंड द इंडियन प्रेस सेड समवन स्पोक टू हिम यू हैव फाइव बाइडेंस इन इंडिया। और अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इंडियन प्रेस ने मुझे बताया कि आपके यहाँ पांच लोग हैं जो पांच उनका आपके नाम बाइडेन है। And although I've never admitted it jokingly, that I found out that there was a Captain George Biden who was a captain of the East Indian Tea Company. और मजाक नहीं, मैंने कहा कि हाँ एक जॉर्ज बाइडेन थे जो कि इंडियन टी कंपनी में कैप्टन थे। That's hard for an Irishman to admit. It shouldn't be so casual. I hope you understand the humor. And the end result was that he apparently stayed and married an Indian woman. And I've never been able to track it down. So the whole purpose of this meeting is for the help of figure out. तो मैं थोड़ा अनौपचारिक रूप में कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि उन्होंने भारतीय मूल की महिला से शादी की थी और उसको वो नहीं पाया था, तो मुझे आशा है कि एक ना एक दिन हम उसका पता लगाएंगे। But all kidding aside, I think that the relationship between India and the United States, the largest democracies in the world, is destined to be stronger, closer, and tighter, and I think it can benefit the whole world. लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध हैं, हम दोनों सबसे बड़े लोकतंत्र हैं पूरे विश्व में, इन्हें और ज्यादा मजबूत होना है, और ज्यादा करीब होना है, और एक दूसरे के साथ रहना है। And taking on some of the toughest challenges we face together, starting with a shared commitment to ending the COVID pandemic. तो ऐसा हुआ है और आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच में, और उसका पहला काम है कि हम इस बड़ी महामारी COVID-19 को समाप्त करने के लिए वचनबद्धता व्यक्त कर रहे हैं। Prime Minister and I were going to be talking today about what more we can do to fight COVID-19, take on the climate challenges that the world faces. And ensure stability in the Pacific, including with our Quad partners. तो आज प्रधानमंत्री और मैं इस बारे में बात करेंगे किस तरह से कोविड महामारी को दूर किया जाए और किस तरह से जलवायु संकट जो बना हुआ है उसको हम लपेट सकें और इंडो पैसिफिक में किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित बना सकें। Of course, our partnership is more than just what we do. It's about who we are. Rooted in our shared responsibility of both democratic values, our joint commitment to diversity, and it's about family ties, including 4 million Indian Americans who make the United States stronger every single day. हमारी जो आपस में पार्टनरशिप है, जो हमारी सहभागिता है, उससे कहीं ज्यादा है। हम जानते हैं कि हम लोग कौन हैं और हम चाहते हैं कि इसमें एक विविधता हो, एक हमारे आपस में पारिवारिक संबंध है, क्योंकि 4 मिलियन, हाँ जी 4 मिलियन भारतीय मूल के लोग हैं जो यहाँ पर हमें हमारे देश को ज्यादा सुदृढ़ और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। As the world celebrates Mahatma Gandhi's birthday next week, we're all reminded that his message of non-violence, respect, tolerance matters today maybe more than it ever has. And so I'm looking forward to my discussion with the Prime Minister. Thank you. और अगले सप्ताह जब हम महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाएंगे, उस समय पर हमें याद रखना है कि उनके जो बताए हुए मूल्य थे, अहिंसा, लोगों के साथ सहिष्णुता और आदर, ये आज के विश्व में पहले से कहीं ज्यादा की जरूरत है। और प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ आगे बातचीत करने के लिए आगे आगे धन्यवाद। राष्ट्रपति जी, सबसे पहले तो मैं
मैत्रीपूर्ण और गर्मजोशी भरा हम सबका भारत के डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर प्रेसिडेंट for this very warm welcome, full of friendship, not only to me but to my delegation. 2016 में और 2014 में भी मुझे आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिला और उस समय आपने भारत अमेरिका के संबंधों में आपका जो विजन है जिसको आपने शब्दबद्ध किया था वो वाकई बहुत ही प्रेरक था और आज आप राष्ट्रपति के रूप में उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं इनिशिएटिव ले रहे हैं इसका मैं स्वागत करता हूं। मिस्टर प्रेसिडेंट इन 2016 एंड इवन बिफोर दैट इन 2014 वी हैड एन ऑपर्चुनिटी टू हैव डिस्कशन इन And at that time, Mr. President, you had laid out your vision for the relations between India and the United States, and you had enunciated that in great detail, and really that was a vision that was inspirational. And today, Mr. President, as President, you are making all efforts and taking initiatives to implement that vision, and I warmly welcome that. आपने भारत में बाइडेन सरनेम के लोगों के संबंध में अपना डिटेल में जिक्र किया आपने मेरे साथ भी इस बात को उल्लेख किया था बाद में मैंने काफी कुछ कागजात खोजने की कोशिश की है कागजात मैं लेकर के भी आया हूं हो सकता है शायद इसमें से कुछ आगे का निकला है शायद आपको कुछ काम आए earlier too. Well, after you mentioned it to me, I hunted for documents and today I have brought along some documents. Maybe we'll be able to take this matter forward and maybe those documents will be of use to you. Are we related? Yes. Excellency, आज की हमारी ये bilateral summit लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये दशक 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक का ये पहला वर्ष मैं पूरे दशक की तरफ देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में जो बीज हम बोएंगे इस पूरे दशक हमारी दृष्टि से बहुत ही भारत और अमेरिका के संबंध में विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ये कालखंड रहेगा ऐसा मेरा विश्वास है। मिस्टर प्रेसिडेंट आई फर्मली बिलीव दैट इन आवर समिट टॉक्स एंड समिट मीटिंग टुडे व्हाट आई सी इज दैट दिस इज द थर्ड डेकेड ऑफ द 21st सेंचुरी दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ द थर्ड डेकेड एंड आई सी दैट व्हेन आई लुक एट द एंटायर डेकेड आई फाइंड दैट अंडर योर लीडरशिप The seeds have been sown for the Indo-US relations to expand and for all democratic countries in the world. This is going to be a transformative period. I can see that very clearly. जब भारत और अमेरिका के संबंधों में मैं transformative देख रहा हूं तब मैं देख रहा हूं कि tradition लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को लेकर के जो हम जी रहे हैं और जिसके प्रति हम समर्पित हैं हम कमिटेड हैं वो ट्रेडिशन का अपना एक महात्म्य और अधिक बढ़ेगा एंड दिस इज व्हेन आई सी दैट दिस ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड इज इन इंडो यूएस रिलेशंस एंड व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रेडिशंस आई एम टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस values, traditions to which both our countries are committed and I find that importance of these traditions
will only increase further. उसी प्रकार से आपने उल्लेख किया 4 मिलियन से अधिक लोग भारत के यहां अमेरिका की विकास यात्रा में सहभागी है। ये दशक में टैलेंट का अपना एक महत्व है, पीपल टू पीपल, ये टैलेंट इस दशक में बहुत ही प्रभावी भूमिका अदा करेगा और भारत के टैलेंट अमेरिका की विकास यात्रा में पूरी तरह सहभागी होती जाने जाए उसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। In a similar vein, Mr. President, you mentioned the more than 4 million Indian Americans who are participating in the journey of progress of America. And when I look at the importance of this decade and the role that is going to be played by this talent of the Indian Americans, I find that this people-to-people talent will play a greater role, and Indian talent will be a full partner in this relationship. And I see that your contribution is going to be very important in this. उसी प्रकार से दुनिया में सबसे ज्यादा driving force बन रही है technology. इस दशक में भारत और अमेरिका के रिश्तों में टेक्नोलॉजी और वो भी पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो उस दिशा में हमारी टैलेंट टेक्नोलॉजी को माध्यम से बहुत बड़ी सेवा कर सकती है और एक बड़ा अवसर हमें उपलब्ध होगा। मिस्टर प्रेसिडेंट, इन सिमिलर लाइंस द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्राइविंग फोर्स इन द वर्ल्ड टुडे वुड बी दैट ऑफ टेक्नोलॉजी and the technology that is going to be for the service and for the use of humanity, and I find that opportunities for this are going to be tremendous. उसी प्रकार से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का अपना महत्व है और इस दशक में ट्रेड के क्षेत्र में भी हम एक दूसरे को काफी पूरक हो सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका पास है जो भारत को जरूरत है, बहुत सी चीजें भारत के पास है जो अमेरिका के काम आ सकती हैं, तो ट्रेड भी इस दशक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहेगा। सिमिलरली मिस्टर प्रेसिडेंट, बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड विल कंटिन्यू टू अज्यूम इम्पोर्टेंस एंड वी फाइंड दैट द ट्रेड बिटवीन आवर टू countries are actually complementary. There are things that you have and there are things that we have, and then we in fact complement each other. And I find that in the area of trade during this decade, that is also going to be tremendously important. Mr. President, आपने अभी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती का उल्लेख किया। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे, ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लैनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लैनेट को हमने सुपुर्द करना होगा, और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगा और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लैनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है। मिस्टर प्रेसिडेंट, यू जस्ट मेंशन दैट ऑन द 2 अक्टूबर वी विल बी सेलिब्रेटिंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, एंड महात्मा गांधी ऑलवेज यूज टू टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप ऑफ द प्लैनेट. And this decade, Mr. President, from that point of view, is also going to be important as this entire principle of trusteeship. It means that the planet that we have to bequeath it to the following generations. And this sentiment of trusteeship is going to assume more and more importance globally, but also between the relations between India and the United States. And it is these ideals that Mahatma Gandhi espoused, where he talked about trusteeship of the planet
and where the responsibility of global citizens is only going to go up. और राष्ट्रपति जी जैसे कि विषयों का आपने उल्लेख किया, ये सारे विषय बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। और आपने पदभार संभालने के बाद चाहे कोविड हो, क्लाइमेट हो या कॉर्ड हो, हर एक में एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव लिया है। और मैं समझता हूँ ये यूनिवर्सिटी जो आपका इनिशिएटिव है आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रभाव पैदा करेगा। उन पर जो विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत में भी इन सारे विषयों को हम विस्तार से विचार विमर्श करके हम कैसे साथ कर सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए भी और दोनों मिलकर दुनिया के लिए भी क्या कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में आज की चर्चा बहुत सार्थक रहेगी। Mr. President, you mentioned very important issues, and after assuming charge as President of the United States, you have taken very unique initiatives, whether that be COVID-19, climate change, or even Quad. And in the days after that, after taking this initiative, you have made and deployed great efforts to bring them to implement your vision. And also today we have this opportunity to discuss all these issues in great detail. And after our discussions, we will look towards how we can work further together, not only for our respective countries, but for the entire world, how we can take positive action. And I am I'm absolutely convinced that under your leadership, whatever we do, it will be extremely relevant for the entire world. राष्ट्रपति जी, मैं फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए। Once again, Mr. President, let me thank you profusely for this very warm welcome.